सारे गोल कटे हुए करेले जिन्हें हमने धो के गोल गोल काट लिया था। इसमें मैंने डाली है दही, खट्टी दही। दही नहीं हो तो आप छाछ भी यूज कर सकते हैं। पैकेट वाली दही ली है, पैकेट वाली दही नॉर्मली खट्टी नहीं होती है। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको पहले 5-6 घंटे के लिए बाहर फ्रिज से निकाल के रख दिया, ताकि नहीं है। हम थोड़ा सा नमक थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा व्हाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, क्योंकि खटास जो होता है वो कड़वेपन को बैलेंस कर देता है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। इसको ढककर थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देंगे। डिपेंड्स ऑन यू, आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप इसको ज्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं, और अगर आपको फटाफट बनाना है तो आप इसको सिर्फ आधा पौना घंटा भिगो के रखिए। उसके बाद इसको धो लीजिए अच्छे से, सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। ऑनर हो चुका है हमारा, ऑयल रेडी। अभी हम एक करेले का पीस इसमें डाल के देखेंगे, अगर ये डलते ही ऊपर आ जाता है इसका मतलब हमारा ऑयल जो है परफेक्टली गर्म है। तो ये हमारा ऑयल अभी परफेक्टली गर्म है। अभी हम इसमें करेले डाल देंगे, थोड़े से झाग बनेंगे, बट वो टेम्परेचर थोड़ा गिरा है उसकी वजह से धीरे धीरे झाग खत्म हो जाएंगे। हमारा दूसरा बैच भी करेले का रेडी हो चुका है फ्राई होके। हम इसे भी निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर के ऊपर। ऑयल में से अब एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और फिर हम करेंगे तड़के की तैयारी। तेल गरम हो गया, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग डालेंगे, प्याज कटे हुए। अच्छा है तो लकड़ी भी चॉप कर सकते हैं। थोड़े से पक गए हैं, इससे ज्यादा हम इन्हें नहीं पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्ची पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम कटे हुए आलू और हरी मिर्ची, 3-4 हरी मिर्ची, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। आप चाहें तो इधर लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। टमाटर इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि मैं इसमें आमचूर यूज करूंगी। अब डालेंगे नमक। अब इसमें डालेंगे हम हमारे करेले जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखे हुए हैं, कर लेंगे मिक्स। हम इसे कवर करके थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। करेले इसमें साथ ही डालें, जब आलू डालने के बाद जब आप इसको कुक करने लगे तो करेले साथ में ही कुक करें, क्योंकि फिर इससे जो करेले का जो है ना कड़वास वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, उसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आलू भी उसके कड़वेपन को थोड़ा बहुत सोख लेगा अपने अंदर। अभी हो चुके हैं हमारे करेले रेडी। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया धो के काटा हुआ,